हेलो बच्चों, मैं सुनीता बैरवा, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ यानी कि कक्षा पाँच का पाठ 10, नारी शक्ति का प्रतीक, जिसका नाम जो किसके ऊपर है, भगिनी निवेदिता यानी कि बहन निवेदिता के ऊपर है। इसमें उनकी उनका जन्म स्थान बताया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने एक विदेशी महिला होने के बाद में भी हमारे जो भारत देश के निवासियों की है या देशवासियों की किस प्रकार सेवा की है और किस प्रकार हमारा योगदान उस हमारी देश में उनका योगदान रहा है और उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं या किस प्रकार हमारे देश की देशवासियों की सेवा की है। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हमारा पाठ। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अपने देश यानी हमारे भारत देश में एक बहुत सारी महिलाएं जैसे कि फूलन देवी, रानी लक्ष्मीबाई, इस प्रकार की अनेक महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने हम अपने देश के लिए, भारत देश के लिए कई सारे बलिदान दिए हैं और कई बहुत समय तक लोगों की सेवाएँ की हैं। लोगों के लिए, सच के लिए और न्याय के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं। यानी कि बहुत कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास यानी जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। उसमें बहुत सारी महिलाओं के बहुत बड़े बड़े योगदान है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया है हमारे देश में, हमारे देश की तो बहुत सारी महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं, लेकिन यह जो है एक विदेशी महिला यानी कि भगिनी बहन निवेदिता जो कि एक विदेशी महिला थी, उनके उनके कार्य भी हैं और उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए हैं वह अनूठा है। जो उन्होंने जो कार्य हमारे देश के लिए किए हैं वो अनोखे हैं। भगिनी यानी कि बहन निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। और जो निवेदिता जो जी हैं वो मतलब स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनसे प्रेरित होकर भारत में आई थी और उन्होंने यहाँ पर देशवासियों की सेवा की थी और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भारत आए थे, यानी उन्होंने लड़कियों को भी पढ़ाया था। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। उन्होंने है ना, मतलब उनका जन्म जो था वो आयरलैंड में हुआ और उन्होंने भारत भूमि यानी भारत मतलब भारत देश की धरती पर मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। और उन्होंने भारत के मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उन्होंने उनमें भी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। उनका पूरा नाम मार्गेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था नोबेल व माँ का नाम मैरी ईसाबेल था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, यानी कि उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जब वो बहुत छोटी थी तो उनके माता और उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन यानी कि इनको पाल पोस कर नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था, यानी कि इनको इनका लालन पालन यानी इनका भरण पोषण या पालन पोषण इनके नाना जी ने किया था, यानी इनका जो बचपन था वो अपने नाना जी के साथ गुजरा। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से थे। मार्गेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई, यानी कि उनकी जो शिक्षा थी, उनकी जो पढ़ाई थी वह लंदन के चर्च में हुई। मार्गेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, यानी कि जो मार्गेट जो थी यानी कि जो निवेदिता जी जो थी उनको पढ़ाना अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था और जब वो 17 साल की थी, उनकी उम्र जब 17 साल थी तो उन्होंने एक विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी, मतलब वह खुद के द्वारा बनाई गई पद्धति से, उस प्रणाली से लोगों को पढ़ाया किया करती थी या पढ़ाती थी या उसे शिक्षा प्रदान करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी वह भाग लेती थी और उनका धर्म में भी बहुत ध्यान मतलब उनका विश्वास था, तो वह चर्च की गतिविधियों में यानी कि चर्च में जो कार्यक्रम होते हैं जिस और जो पूजा पाठ जो होता है वहाँ पर भी वह भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन यानी कि पढ़ाई, मनन व सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी
जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। खाली समय में अध्ययन करती थी, मनन और सत्य की खोज में ही उसकी जो समय था वो वही निकलता था। और उसने 17 साल की उम्र में एक स्कूल मतलब स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे शिक्षण का शौक था। उसे धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी धर्म में आस्था थी, तो वह चर्च की गतिविधियों में भी अपना समय व्यतीत करती थी। और लेकिन तभी एक घटना हुई जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी, यानी कि अपना उसने मतलब अपनी जीवन का रास्ता ही बदल दिया। ऐसी एक घटना हुई, एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। यानी कि जो सन्यासी होते हैं वो साधु होते हैं, वो एक सन्यासी जी कहाँ आए, लंदन में उनका आगमन यानी कि उनका आना हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद, और जो सन्यासी वहाँ पर आए उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी जो वहाँ पर गए थे लंदन में, वे शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यानी कि वहाँ जब वो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को देखा तो उसका जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। मार्गेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यानी कि पहली मुलाकात यहीं हुई थी। यानी कि जो लंदन में जो इंग्लैंड में जो सम्मेलन हुआ, जो वहाँ पर आए थे लंदन से, तो वहाँ पर उनकी प्रथम भेंट यानी कि मुलाकात हुई। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, यानी कि जो मार्गेट जो थी, निवेदिता जी थी, उन्होंने स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुने, यानी कि उनका भाषण सुना। वाद विवाद हुआ, वार्तालाप हुआ, तर्क वितर्क किया, और उनकी वहाँ पर उनसे चर्चा हुई। और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना, और उन्होंने स्वामी जी से बात मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनसे वाद विवाद किया, उनसे बातें की, उनसे तर्क वितर्क किए, और उसी के बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श यानी कि अपना गुरु मान लिया। और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। और स्वामी जी ने जब उनको कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि आपको भारत आना है, तो उनके आग्रह करने पर उन्होंने यानी कि निवेदिता जी ने, मार्गेट ने भारत आना तय कर लिया था कि मैं हाँ भारत ज़रूर आऊँगी। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, और मार्गेट जो हैं वो भारत आकर बहुत खुश हुई थी। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में दो अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। कुटिया यानी कि बच्चों घास फूस से जो छोटा सा घर बना होता है गांव में, उसी प्रकार का होता है ये कुटिया। तो वह गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में अपने अन्य अमेरिकन दो और महिलाएं उसके साथ थी, उनके साथ रहने लगी। स्वामी जी की शिष्य थी, और वह कौन थी, मतलब जो अमेरिकन महिलाएं जो थी वो स्वामी जी की यानी स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी, वह वहीं पर रहती थी, उन्हीं के साथ मार्गेट भी रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गेट को नया नाम निवेदिता दिया। यानी जो स्वामी विवेकानंद थे, जो उनका नाम क्या था, मार्गेट मतलब जो महिला थी भगिनी निवेदिता, उसका जो नाम था वो मार्गेट था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने भारत आने के बाद उन्हें क्या नाम दे दिया, निवेदिता, यानी कि उनका नाम बदल कर निवेदिता रख दिया। और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरण में अपना जीवन अर्पित करें। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्होंने से आग्रह किया कि आप भारत में मतलब भारत की सेवा में अपना जीवन अर्पित करें, यानी कि लोगों की सेवाएं करें, और अपना जो जीवन है वो उन्हीं के लिए आप इन्हीं पर मेहनत करें ताकि इनका भला हो सके, यानी कि जो देशवासी थे उनका भला हो सके। भगिनी निवेदिता, बहन निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। और जो बहन निवेदिता जो थी, जो मार्गेट जो थी, जिनका नाम बदलकर निवेदिता रखा था स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने विवेकानंद जी के जो उपदेश थे उनको जन जन तक यानी कि सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया। और उन्होंने इस स्कूल यानी कि एक शिक्षण संस्थान भी खोला जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाती थी, जो कि उन्होंने कलकत्ता में खोला, और वह वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाती थी। वह छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाती थी। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, शिक्षण संस्थान में लड़कियों का मतलब कलकत्ता में स्कूल खोला, और वे बच्चों लड़कियों को वहाँ पर शिक्षा तो देती ही थी, यानी कि उनको अध्ययन करवाती थी, पढ़ाई करवाती थी, लेकिन उसी के साथ साथ वह उन्हें मिट्टी का काम यानी कि मटके वगैरह बनाना, इस तरीके के काम भी सिखाती थी, और चित्रकारी करना, जो चित्र बनाना
इस तरीके के काम भी वह सिखाती थी ताकि ताकि जो ये औरतें हैं जब ये मतलब इनकी शादी हो जाए तो ये अपने परिवार को पाल सके या परिवार में कुछ भी अपना योगदान दे सके। तो वह औरतों को आत्मनिर्भर भी बनाती थी। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। और जब कलकत्ता में महामारी यानी कि बहुत बड़ी बीमारी फैल गई तब उन्होंने निवेदिता ने टोली बनाकर यानी दो मतलब बहुत सारे लोगों को जैसे एक टीम बनाकर जैसे 10 या 12 लोगों की टीम बनाकर उन्होंने दिन रात यानी कि वह दिन में या रात में भूख प्यास की चिंता करे बिना मतलब बिना खाना खाए पिए कोई उनको चिंता नहीं थी कि मैंने खाना नहीं खाया। वह लोगों की सेवा करती लोगों की चिकित्सा मतलब लोगों की दवाइयाँ देती उन्हें जांच करती उन्हें उनकी मदद करती सेवा करती सफाई करती आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। उन्होंने मतलब कलकत्ता में महामारी फैलने के बाद रोगियों की मदद भी की और उन्होंने क्या किया अंग्रेजी समाचार पत्र जो थे उनमें ना उसने प्रसार किया कि अपील की लोगों से कि वह उन लोगों की मदद करे और उन्होंने मदद मांगी तो लोगों ने कुछ धन एकत्रित किया जिससे उन लोगों की मदद हो सकी। धन संग्रह भी किया है। लेखन कला में बोलने में निपुण थी यानी कि उसको लिखने में कला में मतलब उसमें बहुत सारे आर्ट्स थे उसमें बहुत सारी कलाएं थी और वह बोलने में निपुण थी मतलब वह भाषण देने में और किसी से वाद विवाद करने में तर्क वितर्क करने में भी बहुत ज़्यादा निपुण थी यानी कि वह बहुत बुद्धिमान थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही और इसी के कारण यानी कि वह लेखन प्रक्रिया में कला में बोलने में बहुत निपुण थी यानी कि बहुत अच्छी थी तो उसने क्या किया इस क्षमता का उपयोग करके इस गुण के कारण वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक यानी कि सब बड़े बड़े लोगों तक वह पहुँचा पाती थी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। और निवेदिता जी ने जब देखा कि अंग्रेज जो है वो भारतवासियों पर भारत के देशवासियों पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं उनकी ज़मीनें हड़प रहे हैं नील की खेती करके ज़मीनें उनकी ख़राब कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत सब मतलब उनका जो देशवासी था उनका सम मतलब उन्होंने समर्थन किया कि अंग्रेजों को यहाँ से हटा देना चाहिए या यहाँ से इनको निकाल देना चाहिए और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन भी किया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और उन्होंने बंगाल विभाजन जब बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था तो उन्होंने इसका विरोध भी किया कि ऐसा मत करो इसे मत मतलब इसे इसका हिस्से मत करो या इसका विभाजन मत करो। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियाँ विश्व पटल पर रखी। उन्होंने जो जगदीश चंद्र बोस थे उनकी जो उपलब्धियाँ थी उनके जो मतलब उन्होंने जो हासिल किया था उनकी उपलब्धियाँ जो थी उनको भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया यानी कि उपलब्ध किया। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी किया। और जब महर्षि अरविंद जेल चले गए तो उन्होंने उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी किया। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी और उन्होंने देखा कि जो भारतीय स्त्रियां जो थी ना जो भारत की औरतें उनसे वो बहुत प्रभावित होती थी यानी कि जो मार्केट है वो निवेदिता जो भारत की स्त्रियों को देखती थी तो उन पर बहुत प्रभाव पड़ता था इसका। उनमें लज्जा विनम्रता स्वाभिमान सेवा भाव निष्ठावान ममतत्व आदि थे और उनमें मतलब लज्जा शर्म विनम्रता स्वाभिमान सेवा भाव मतलब लोगों की सेवा करना निष्ठावान ममतत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी और वह समय समय पर मतलब जहाँ पर भी औरतों का कोई समूह होता है या कोई भी मीटिंग होती तो वह और वहाँ पर जाती विद्यालयों में जाती तो वह उन मतलब महिलाओं के बारे में रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई जिन्होंने वीरतापूर्ण मतलब किस प्रकार दुश्मनों का सामना किया है उनके बारे में वह औरतों को बताती भी थी उन्हें याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति प्रांत व भाषा से ऊपर थी और उनकी जो दृष्टि थी मतलब वह उनके जो विचार थे वो किसी जातिवाद में प्रांत व भाषा में बटे हुए नहीं थे मतलब वह सभी लोगों को एक जैसा मानती थी उसमें विभेद की भावना नहीं थी वह किसी से भी भेदभाव नहीं करती थी। भगिनी यानी कि बहन निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी महिला है और उन्होंने भारत देश मतलब वह विदेश से आई थी लेकिन उन्होंने फिर भी भारत में रहकर कभी किसी को यह एहसास नहीं होने दिया मतलब उन्होंने कभी ये घमंड नहीं दिखाया कि मैं विदेश से आई हूँ या मुझ में इतने सारे गुण हैं इतनी सारी खूबियाँ हैं वो उन्होंने कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था वह
मतलब उन्होंने जो भारत के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था, यानी भारत के लिए उसने इतने योगदान दिए, लोगों की सेवाएं की, तो वह कोई और नहीं कर सकता था। स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। और मतलब जो स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी मृत्यु के समय उसने ऋचाओं वेदों को याद करते हुए, जैसे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जिस प्रकार स्वामी जी की मृत्यु हुई थी ऋचाओं वेदों को पढ़ते पढ़ते याद करते हुए, तो उसी प्रकार मार्गेट जो थी, जो निवेदिता जी थी, उनकी बहुत कम आयु में स्वामी जी की तरह यानी कि ऋचाओं और वेदों को पढ़ते पढ़ते उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों आज हमने पाठ पढ़ा नारी शक्ति की प्रतीक। तो हमने देखा कि एक विदेशी महिला जो है ना आयरलैंड से आई थी मार्गेट, उन्होंने स्वामी जी को जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनको अपना आदर्श मान लिया और हमारे देश में आकर, हमारे भारत देश में आकर हमारे देशवासियों की किस प्रकार सेवा की। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। विदेशी दूसरे देश का आह्वान पुकार या बुलावा, मातृभूमि जन्मभूमि, पद्धति तरीका, प्रवचन उपदेश देना, तर्क वितर्क वाद विवाद, बर्बरता क्रूरता, संपादकीय लिखा अग्रलेख, भगिनी यानी कि बहन। तो बच्चों आज हमने पढ़ा नारी शक्ति की प्रतीक पाठ। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।